सभी ने एक घंटा श्रमदान किया, उसमें नगर पालिका प्रशासन और छावनी परिषद दोनों ने संयुक्त रूप से श्रमदान किया है। और मेरा क्षेत्रवासियों से सभी से निवेदन है कि नसीराबाद को स्वच्छ एवं साफ बनाए रखने में सेवा और सहयोग दें। और इसी उपलक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा का अभियान चलाया गया 1 अक्टूबर को। और उस अभियान के तहत आज नेताजी स्कूल के पास सभी ने एक घंटा श्रमदान किया, उसमें नगर पालिका प्रशासन और छावनी परिषद दोनों ने संयुक्त रूप से श्रमदान किया है। और मेरा क्षेत्रवासियों से सभी से निवेदन है कि नसीराबाद को स्वच्छ एवं साफ बनाए रखने में सेवा और सहयोग दें। और उसके लिए कई लोगों की सोच है कि यह काम सरकार और प्रशासन का है, तो यह धारणा गलत है। मेरा कहना है कि यह सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखें, क्योंकि क्षेत्र साफ और स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। 1 अक्टूबर को संत निरंकारी मिशन नसीराबाद द्वारा नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर श्रमदान किया गया, जिसमें सफाई का कार्यक्रम किया गया। इनके द्वारा जो सफाई का कार्यक्रम किया गया, ये एक समाज के लिए एक अनोखी पहल है। ये बताती है कि आज हम 1 अक्टूबर ही नहीं, हर दिन हमको श्रमदान करना चाहिए। रेलवे स्टेशन ही क्यों, हमारे घर के आसपास भी जो कचरा है हमें उसको उठा के रखना चाहिए, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए कि 1 अक्टूबर का ही हम इंतजार क्यों करें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश नागर है, ये हमारा निरंकारी मिशन है। सिर्फ आपका नाम?